हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिमिलर यूपीएससी चैनल। आज हम पढ़ेंगे द इंडियन एक्सप्रेस। एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल देखिए, ये है कि अभी इंडिया रशिया का, वो पता है, डिफेंस टाइज काफ़ी पुराना है। तो रशिया से इंडिया ने काफ़ी सारे हार्डवेयर और टेक्नोलॉजीज लेके रखे हैं, पर अभी आने वाला जो प्रोक्योरमेंट होना है उसमें इंडिया रशिया को कैसे पे करे उस पर स्ट्रगल चल रहा था। तो इंडिया ने प्लान किया कि उसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के दिरहम करेंसी में पे किया जाए। और उसके बाद इंडिया को यह भी कंसर्न है कि सिंस अभी रशिया यूक्रेन वॉर में इन्वॉल्व है तो कैसे वो डिलीवरी कर पाएगा। जस्ट एक अपडेट की तरह मैंने बताया कि आर्टिकल एग्जाम में से पूछने लायक कुछ बात नहीं है, बट इंडिया रशिया रिलेशन में आने वाले समय में क्या डेवलपमेंट हो सकता है उसका एक इंडिकेशन है, जस्ट फॉर द सेंस, ठीक है ना। फिर अब दूसरा सबसे मेजर आर्टिकल जो आज के दिन में सबसे मेजर आर्टिकल एक्चुअल में है कि टर्की में कल दो मेजर अर्थक्वेक देखने को मिला, जिसका टर्की जो बॉर्डर एरिया है जो सीरिया से लगता है वहां पे मेजर स्ट्रगल देखने को मिला इसके रिगार्डिंग। अब जो लॉस हुआ टर्की का, जो इतना बड़ा लॉस हुआ, उसके अंदर जो दो अर्थक्वेक देखने मिले, एक 7.8 रिक्टर स्केल का देखने मिला, एक 7.5 से ज्यादा 7.7 के आसपास रिक्टर स्केल का डैमेज देखने मिला। तो इस कंटेक्स्ट में अपने ज्योग्राफी का सिलेबस में अर्थक्वेक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में प्रेडिक्शन करना काफी डिफिकल्ट है, वो सिलेबस में आता है, तो उसके रिगार्डिंग अर्थक्वेक के बारे में जानना ये क्या है। फिर इसका एक्सटेंड सीरीज जो है उसमें एक आर्टिकल दिया है जो मैं दिखाऊंगा अभी, वहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स में जो मेजर प्लेट्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में दिया हुआ है और कौन से प्लेट के वजह से ये एरर हुआ है वो भी समझाया गया है। तो वो टोटल चीज आप समझ सकते हो। इनफैक्ट फिर अर्थक्वेक मेजरमेंट कैसे होता है रिक्टर स्केल से, अर्थक्वेक इंटेंसिटी क्या होता है, फिर डेप्थ पर अर्थक्वेक इमर्ज हो या फिर शैलो लेवल पर अर्थक्वेक इमर्ज हो उससे क्या डिफरेंस आता है, वो एक्सप्लेन पेज में भी एक्सप्लेन पर डिटेल से किया हुआ है, वो वाला पार्ट भी आप मर्ज कर सकते हो। प्लस अभी इंडिया ने इन दिस सिचुएशन ऑफ टर्की उनको हेल्प करने का वादा किया अपने स्टाइल से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। उसके अलावा एनडीआरएफ का टीम, मेडिकल टीम भी डिस्पैच किया गया है। तो इंडिया और कुल मिला के 45 कंट्रीज और इंटरनेशनल बॉडीज मिलके टर्की को इस प्रॉब्लम से उभरने में हेल्प कर रही है, उसके बारे में भी डिटेल है। तो ये सब इंटरनेशनल रिलेशन, ज्योग्राफी और फिर आपका कैसे ये रीजन स्ट्रगल कर रहा है, क्योंकि सीरिया में ऑलरेडी सिविल वॉर चल रहा है, तो सीरिया में और अर्थक्वेक का मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो तीन चार एस्पेक्ट में ये दो तीन आर्टिकल कंबाइन करके आपको पढ़ना है। रिलेवेंट पार्ट मैंने हाईलाइट कर दिया इस पेज में, उसके बाद नेक्स्ट पेज में भी, ये नेक्स्ट पेज में हाईलाइट कर दिया, इसको रीड कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल क्या है कि राजस्थान गवर्नमेंट प्लान कर रही है फ्रेंच गवर्नमेंट के एड के हेल्प लेके डॉल्फिन और राइनो का जू बनाया जाए भरतपुर सेंचुरी में। भरतपुर सेंचुरी क्या फेमस बर्ड वॉचिंग सेंचुरी है जो कि राजस्थान में लोकेटेड है। तो उसके अभी राजस्थान गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि वहाँ पर डॉल्फिन और राइनो को भी प्रिजर्व किया जाए, बट सिंस वहाँ पे माइग्रेटरी बर्ड्स का मेन एरिया है तो उसको प्लान को थोड़ा एक दो किलोमीटर पार्क के आउटसाइड में रखा जाएगा ताकि माइग्रेटरी बर्ड जो भरतपुर में काफी आती है उनको रिस्क ना हो। फिर एक जस्ट एक इन्फॉर्मेशन ये है कि गौरी एक एडिशनल जज की तरह अपॉइंट हुई है हाई कोर्ट में, उनका ओथ आज होगा। सुप्रीम कोर्ट में उनके अपॉइंटमेंट के अगेंस्ट प्ली है बिकॉज शी वॉज अ फॉर्मर बीजेपी लीडर। तो बस इतना आपको अपडेट होना चाहिए। अब इसके बारे में जो डिटेल आएगा एक दो दिन बाद आर्टिकल में एडिटोरियल में, वहां अगर रिलेवेंट कुछ लगा तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज इतना जानना काफी है। फिर नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज, अगला पेज देखिए एक्सप्रेस नेटवर्क का पेज है। इसके अंदर बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे पास हेट क्राइम के लिए कोई जगह नहीं है, इसको हमें किसी भी तरह खत्म करना ही होगा। अभी ये मुद्दा किस लिए उठाया, क्योंकि देखिए एक मुस्लिम मैन को रॉब कर लिया गया था एक गैंग द्वारा और फिर उसको उसका मजाक उड़ाया गया, दाढ़ी खींचा गया, उसके रिलीजन को खिल्ली उड़ाया गया। तो ये जो स्थिति है, ये इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, वहाँ पे एक रिलीजन बेस्ड पे किसी पे हेट क्राइम होना ये गलत बात है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला, जो कॉन्स्टिट्यूशनली बिल्कुल सही भी है, उसे हमें रूट आउट करना है। इस कंटेक्स्ट में आर्टिकल दिया है, आपको ये आर्टिकल एसएस नहीं पढ़ना है, बस आपको समझना है हेट क्राइम क्या होता है, उसका एक एग्जांपल समझना है कि कभी हेट क्राइम के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया सुप्रीम कोर्ट उसके बारे में क्या सोचती है, ये आपको अवेयरनेस होना चाहिए। फिर एक डेटा है, क्योंकि कोई लोग मान रहे थे कि केरला का एडुकेशन सिस्टम बहुत खराब है तो लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, तो एक पार्लियामेंट डेटा प्रेजेंट हुआ था उसका रेफरेंस लेके वहाँ के मिनिस्टर ने, एडुकेशन मिनिस्टर ने बताया कि इंडिया से जितने लोग 2022 में पढ़ने गए थे उसमें सिर्फ केरला से आने वाले लोगों की संख्या मात्र 4% थी, जबकि पंजाब और महाराष्ट्र से ये संख्या 12% और 11% रेस्पेक्टिवली है, समझिए, सॉरी आंध्र प्रदेश और पंजाब से संख्या 12% और 11% रेस्पेक्टिवली, अब इमेजिन कीजिए। तो दिस संख्या में मोबाइल करने लगा तो कोई भी संख्या नहीं है। टोटल 6.46 लाख इंडियन स्टूडेंट माइग्रेट किए थे अब्रॉड पढ़ने के लिए। तो ये डेटा आपको पता होना चाहिए। तो ब्रेन ड्रेन एक इशू जो इंडिया के अंदर है, जो केरला के माध्यम से हाईलाइट हुआ है, उसको आपको हल्का अवेयरनेस होना चाहिए कि ब्रेन ड्रेन इशू जो इंडिया में हो रहा है कि मैक्सिमम लोग पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं फिर वहीं सेटल हो जाते हैं, ये इंडिया को किस तरह इम्पैक्ट कर रहा है, इसका डेटा भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे। 6.46 लाख 2022 में गए थे, स्टेट का भी डेटा मिल जाएगा। और मेनली उनका इंटरेस्ट होता है परमानेंट रेसिडेंसी, पोस्ट ग्रेजुएट के बाद वर्क है, उसके अलावा और भी रीजंस है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल, अगला आर्टिकल देखिए वही जो मैं बता रहा था फर्स्ट पेज में, कि साइंस ऑफ अर्थक्वेक्स पर समझाया गया सिस्मिकली एक्टिव जोन,
अनातोलिया टेक्टोनिक बेल्ट टर्की के नीचे से पास होता है वो वाला रीजन को रिफ्लेक्ट किया है, प्लस आपको समझाया कि इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक से क्या मतलब है, डीपर अर्थक्वेक शैलो अर्थक्वेक उसका रिस्पेक्ट में समझाया गया है। फिर अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने का कोई साधन नहीं है, हमारे पास कुछ कुछ मेजर्स हैं अर्ली वार्निंग सिस्टम के नाम पर जो हम लोग कुछ सेकंड्स देते हैं, पर वो भी सफिशिएंट नहीं होता है कुछ मेजर एक्शंस लेने के लिए और अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट करने के लिए। इसके अलावा मेजर प्लेट्स का मैप दिखाया गया, तो ये आपको पढ़ना ही चाहिए कि मेजर प्लेट कौन कौन सा है अर्थ के अंदर, इसका अवेयरनेस तो होना ही चाहिए। इसके अलावा ये बताया गया कि टर्की जो है हॉटबेड है सिस्मिक एक्टिविटी का, कि वहाँ पे कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में कुछ डोमिनेंट स्ट्रक्चर्स है, उनमें स्ट्रक्चर्स का नाम पढ़िए, उनका लोकेशन पढ़िए। देखिए मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट, इसका प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन में आ सकता है, चार स्टेटमेंट आपको चारों नहीं चमकेगा, तो इसलिए ये जानना जरूरी है। और ये जो हाईलाइट किया वो मेंस में आपके स्कूल वाला पार्ट है। फिर देखिए नॉमिनेटेड मेंबर्स, दिल्ली का एमसीडी चुनाव होने के बाद अभी तक 3 बार चुनाव का ट्राई हो चुका है, मेयर सेलेक्ट होने का अभी तक नहीं हो पाया, तो उसके अंदर कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स है जिनको एल्डरमैन बोला जाता है दिल्ली पॉलिटिक्स के अंदर, उनको अपॉइंट करने के बावजूद उनके वोटिंग राइट्स पर क्वेश्चन है, क्या उनको वोटिंग राइट्स है कि नहीं, उसके में पास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है तो वो क्या है, लॉ के प्रोविजंस क्या है, या फिर कोई जजमेंट है या फिर कोई प्रोविजंस है वो क्या क्या है, वो उसको अंडरस्टैंड करने का बात है। अगर एमसीडी का मेयर चुनाव नहीं होता तो कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में हाईलाइट है। ये 2-3 हाईलाइटेड पॉइंट मैंने हाईलाइट किया, वो रीड करना आपको इसलिए इंपॉर्टेंट है ठीक है, एज एमसीडी का क्वेश्चन एज सच आपको पूछेगा नहीं बिकॉज ये एक यूनियन नेशनल कैपिटल टेरिटरी का बात है। बट ये इशू कि नॉमिनेटेड मेंबर्स का वोटिंग राइट्स है कि नहीं, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको समझना हल्का आना चाहिए कि रेजिडेंस क्या है कंट्री के अंदर, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, और एक माने अर्बन लोकल बॉडी चलाने में भी क्या चैलेंजेस फेस हो रहे हैं, उसमें ये पॉइंट को भी आप रेस कर सकते हो। अभी तक हमारा मेयर इलेक्ट नहीं हो पा रहा है। फिर पीएम इंडिया का एनर्जी वीक चल रहा है जिसके अंदर काफ़ी सारे डिग्निटरीज आए हैं, तो इंडिया अपने एनर्जी लैंडस्केप के बारे में बता रहा है कि इंडिया किस लेवल पे काम कर रहा है और क्या क्या अचीवमेंट हासिल कर रहा है, क्रूड ऑयल के मामले में, रिफाइनरी के मामले में, नेचुरल गैस के मामले में, इंडिया कैसे अपना एनर्जी में इसको वेरी कर रहा है, इथेनॉल ब्लेंड इंडिया यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है, फिर ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया आने वाले समय में यूज़ करने वाला है, फॉसिल फ्यूल का डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन पे इंडिया क्या काम कर रहा है, ये सब पूरे एस्पेक्ट को इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है। इसको आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी इंडिया का मेजर कंसर्न है और एनर्जी वीक के थ्रू इंडिया उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाह रही है जो इंडिया को आने वाले समय में एनर्जी सिक्योरिटी में हेल्प करेगा। उसके अलावा एक साइड आर्टिकल ये है कि इंडिया जो है मार्केट कार्ड का यूज़ करके अफोर्डेबल ऑयल क्रूड ऑयल रिक्रूट लिएगा रशिया से जो अभी तक लेता आ रहा है, उसके बारे में हल्का मेंशन है। जस्ट आप एनर्जी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए पढ़ सकते हो, नथिंग मच इंपॉर्टेंट। दिस वॉज इट, तो बस यही था आज के न्यूज़पेपर में, आई होप आपको पढ़ के अच्छा लगा। इफ यू लाइक द इनिशिएटिव चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाईलाइटेड पेज पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए सिंपली लर्न ऑफिशियल चैनल टेलीग्राम में उसको ज्वाइन करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।